है दोस्तों, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेयर समथिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम चलेंगे 1905 में, जब आइंस्टाइन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मूविंग बॉडीज। इस पेपर में आइंस्टाइन ने कई टॉपिक्स पर डिस्कशन की, जैसे ईथर, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डिलेशन, रिलेटिविस्टिक मास, यूनिवर्सल स्पीड लिमिट और मास एनर्जी इक्विवेलेंस। स्पेशल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को लॉरेंटस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ रिप्लेस किया, जिसमें कहा जाता है कि हम स्पेस और टाइम को अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते। स्पेस और टाइम को एक साथ डिफाइन करते वक्त स्पेस टाइम वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस टाइम में कहा जाता है कि अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए कोई इवेंट किसी सर्टन टाइम पर हो रहा हो, तो वही इवेंट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए किसी दूसरे टाइम पर हो सकता है। जनरल रिलेटिविटी की डेवलप से पहले स्पेशल रिलेटिविटी को स्पेशल रिलेटिविटी नहीं कहा जाता था, बल्कि स्पेशल रिलेटिविटी को रेस्ट्रिक्टेड रिलेटिविटी कहा जाता था। स्पेशल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने हेनरिक लॉरेंटस और हेनरी पॉइंटकेर के किए हुए काम को आगे बढ़ाया। स्पेशल रिलेटिविटी 1907 में कंप्लीट हुई। स्पेशल रिलेटिविटी को स्पेशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थ्योरी स्पेशल केस पर ही अप्लाई की जाती है। स्पेशल रिलेटिविटी वहाँ अप्लाई होगी जहाँ एनर्जी मोमेंटम टेंसर, ग्रेविटी और कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम नेगलिजिबल हो और स्पेस टाइम फ्लैट हो। जबकि ग्रेविटी को डिस्क्राइब करने के लिए आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी जैसी थ्योरी को डेवलप किया। तो चलिए दोस्तों, स्पेशल रिलेटिविटी में जो आइंस्टाइन ने टॉपिक डिस्क्राइब किए वो बारी बारी समझते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर एंड माई टाइम, लेट्स स्टार्ट। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप मास एनर्जी इक्विवेलेंस को बड़े अच्छे तरीके से समझ सको। दो क्लॉक हैं, एक रेस्ट में है और दूसरी क्लॉक चल रही है। दोनों क्लॉक बिल्कुल एक जैसी हैं। दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का बनावटी जो चीज़ें हैं जिससे वो बनी हैं, बिल्कुल सेम है। बट क्या आप जानते हैं दोनों का मास अलग अलग होगा? जो क्लॉक स्टॉप है उस क्लॉक के मास को हम रेस्ट मास बोलेंगे। रेस्ट मास किसी भी ऑब्जर्वर के लिए सेम होगा, भले वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहा हो, और ये रेस्ट मास दूसरे क्लॉक के मास से कम होगा क्योंकि दूसरी क्लॉक मोशन में है, और किसी मूविंग बॉडी के मास ज़्यादा होगा। किसी भी मूविंग बॉडी के मास को हम रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। रिलेटिविस्टिक मास को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द रिलेटिविस्टिक मास इज़ द सम ऑफ टोटल क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी। अब मास एनर्जी इक्विवेलेंस में लोग ये समझते हैं कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी क्रिएट हुई, बट हमने तो ये पढ़ा है कि एनर्जी ना तो बन सकती है ना ही मिट सकती है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस में जो एनर्जी आई वो कहाँ से आई? इस बात को समझने के लिए हमें मास की डेफिनेशन को ठीक करना पड़ेगा। बचपन से हमें ये समझाया जाता है कि द टोटल सब्सटेंस कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड मास, पर ये डेफिनेशन बच्चों के लिए होती है क्योंकि बच्चों के लेवल पर मास एनर्जी इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मास एक्चुअल में है क्या? हम मास को चेन में समझ सकते हैं। मास किस में होता है पहले तो मुझे ये बताइए। किसी भी मैटर में। अब वो मैटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इन तीनों स्टेट में मैटर किस चीज़ पर कंसिस्ट होता है, यानी कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम। अब एटम एक नहीं होता, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी चीज़ में। तो वो एटम्स आपस में किस एनर्जी के थ्रू कंबाइन होते हैं, यानी कि किस एनर्जी के थ्रू वो पैक्ड होते हैं? अब लिक्विड फॉर्म में वो थोड़ा टाइटली पैक्ड नहीं होते, गैसियस फॉर्म में तो वो टाइटली पैक्ड होते ही नहीं है, सॉलिड स्टेट में वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो उनको कौन सी एनर्जी इनको जोड़े हुए रखती है? वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी रिपल्सिव फोर्स हो, कोई भी रिपल्सिव एनर्जी हो या कोई अट्रैक्टिव एनर्जी हो, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इन एटम्स के बीच में ये जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट भी बहुत कर रहे होते हैं, तो उनकी वाइब्रेटिंग एनर्जी भी होती है। इनकी वाइब्रेटिंग एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम कहते हैं। अब किसी एटम में जूम इन करिए तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट। फिर से हमें एक अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिली जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब
इलेक्ट्रॉन एक जगह पर खड़ा नहीं होता, स्टिल नहीं होता, बल्कि रिवॉल्व कर रहा होता है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर जूम इन करें तो हमें न्यूक्लियॉन्स देखने को मिलते हैं। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को तो कहते हैं न्यूक्लियस। अब इनके बीच पर भी एक न्यूक्लियर फोर्स होती है जो इनको अट्रैक्ट करके रखती है, इनको कंबाइन करके रखती है, इनको मर्ज करके रखती है। अब आप बोलोगे ये आपस में अट्रैक्ट क्यों होते हैं, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होती है तो अट्रैक्ट क्यों होते हैं? भाई यहाँ पर चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। न्यूक्लियर फोर्स अगर ना हो तो कोई एटम एग्जिस्ट ही ना करे। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और ये साथ में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, जिसको हम वाइब्रेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अब इन न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रोटॉन को अगर हम जूम इन करें तो हमें एक प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स देखने को मिलेंगे। क्वार्क्स पर भी किसी दिन में मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। क्वार्क्स एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क्स, ये क्वार्क्स होते हैं। ये भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जिनको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्वार्क्स कहते हैं। और साथ में ये वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, जिसको वाइब्रेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्वार्क्स भी कहते हैं। अब 1905 वाले आइंस्टाइन के पेपर में जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी वो ये थी m इज इक्वल टू e अपॉन सी स्क्वायर, ना कि e इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो मास को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन, मास इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्लस वाइब्रेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्वार्क्स प्लस वाइब्रेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्वार्क्स अपॉन सी स्क्वायर। तो हमें किसी भी चीज़ का मास मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 99.9999% होता है, ना कि 100%। ये कैसे पता चला? किसी भी चीज़ का फॉर एग्जांपल 1 kg मास है, हमें पता है कि तोला जब हमने तो 1 kg मास निकला, लेकिन उनकी एनर्जी को जब हमने इस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व किया तो हमें सिर्फ 99.99। अब कहा जाता है कि जो वो 0.0001% जो मास है वो ग्लियोन्स या क्वांटम फील्ड का मास हो सकता है, लेकिन ये अभी भी मिस्ट्री है, हमें पूरी तरीके से नहीं पता। अब पता चला मास क्या है। हमें पढ़ाया जाता था कि द टोटल सब्सटेंस कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड मास, लेकिन मास ये नहीं होता। तो जब मास एनर्जी इक्वेलेंस में बात होती है एनर्जी के बढ़ने की, तो वो एनर्जी कहाँ से आई? यहीं से तो आई। हम कहते थे मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, बट एक्चुअल में वो एनर्जी ही होती है। स्पेशल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने कहा अगर किसी चीज़ को जिसका कोई सर्टन मास हो उसको हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करवाएं तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जिसका कोई मास होगा उसको हम स्पीड ऑफ लाइट से एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। किसी भी चीज़ को जिसका कोई मास है उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, जो कि ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल है। स्पीड से जुड़े स्पेशल रिलेटिविटी में और भी बहुत कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अगर कोई बॉडी स्पीड इंक्रीज करते हुए ट्रेवल करेगी तो उसका मास भी साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो मास इंक्रीज होगा वो रेस्ट मास नहीं बल्कि रिलेटिविस्टिक मास होगा, और जब वो स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाएगी तो मास इन्फिनाइट हो जाएगा। बट ये करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए हमें इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, जो कि ऑफकोर्स इम्पॉसिबल है। स्पेशल रिलेटिविटी के बाकी और भी बहुत से कॉन्सेप्ट है, जैसे लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, टाइम डिलेशन, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, ईथर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन सब पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में, स्पेशल रिलेटिविटी के पार्ट 2 में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। सो गाइस कीप स्माइलिंग।